In this problem number 6, we have to calculate the bus admittance matrix, and he has given the admittances between the various buses in the power system network in this table. Between bus number 1 and 2, the admittance of the element is 0.1. इसका क्या मतलब है कि बस नंबर 1 और 2 के बीच में कौन सा एलिमेंट है जिसका एडमिटेंस 0.1 है? तो पावर सिस्टम नेटवर्क में किन्हीं भी दो बसेस के बीच में हमेशा ट्रांसमिशन लाइन प्रेजेंट होगी. बस नंबर 1 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 3 और 1 या फिर 4 एंड 3, सभी दो बसेस के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन प्रेजेंट है जिसका एडमिटेंस टेबल में दिया गया है. ट्रांसमिशन लाइन का जब भी हम एडमिटेंस लिखेंगे उसके साथ माइनस जे जरूर लिखेंगे. जैसे बस नंबर 1 और 2 है, इसके बीच में एक लाइन है, इसका एडमिटेंस 0.1 है, इसके साथ आप माइनस जे जरूर लिखिए. इसका कारण क्या है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस नहीं है, केवल रिएक्टेंस है, और मैं मान लेता हूं कि रिएक्टेंस 10 है, तो इसका इम्पीडेंस हो गया J10. अगर एडमिटेंस लिखना चाहूं तो एडमिटेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन इम्पीडेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन J10 इक्वल्स टू माइनस जे 0.1. तो 0.1 अगर एडमिटेंस है तो इसके साथ माइनस जे जरूर आएगा. इसी प्रकार से बस नंबर 1 और 4 के बीच में एडमिटेंस है 0.2. तो बस नंबर 1 और 4 के बीच में एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम है ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस है 0.2, और इसको लिखेंगे माइनस जे के साथ. इसी प्रकार से सभी वैल्यूज को जब भी हम लिखेंगे पावर सिस्टम नेटवर्क को ड्रॉ करते समय, तो उसको माइनस जे के साथ लिखेंगे. देखिए, ये पावर सिस्टम नेटवर्क है. बस नंबर 1 और 2 के बीच में एडमिटेंस है 0.1, और इसको माइनस जे के साथ लिखेंगे. सभी वैल्यूज को माइनस जे के साथ लिखेंगे, ये पावर सिस्टम नेटवर्क बन जाएगा. इस पावर सिस्टम नेटवर्क में 4 बसेस हैं, तो बस मैट्रिक्स, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का साइज 4x4 का होगा. बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का साइज 4x4 का होगा. डायगनल एलिमेंट्स हैं Y11, Y22, Y33 एंड Y44. देखिए, सभी डायगनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने का एक ही प्रोसीजर है. सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. क्या प्रोसीजर है? अगर हमें Y11 कैलकुलेट करना है तो टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 1 इज Y11. Y22 का मतलब है टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 2 इज Y22, एंड इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट Y33 एंड Y44. तो अगर मुझे Y11 कैलकुलेट करना है तो टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 1, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे. ये वैल्यू आ गई माइनस जे 0.7. अगर मुझे Y22 कैलकुलेट करना है तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे. Y33 कैलकुलेट करना है तो टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 3, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू और ये वाली, इन तीनों को ऐड कर देंगे. Y44 कैलकुलेट करना है तो टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 4, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये, तीन लाइंस कनेक्टेड हैं बस बार नंबर 4 से, तो इन तीनों लाइंस का एडमिटेंस हम ऐड कर देंगे. तो Y22 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस जे 0.85, Y33 की जो वैल्यू है माइनस जे 1.15, और Y44 की वैल्यू है माइनस जे 1.2. द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इज सेम. अब बात करते हैं ऑफ डायगनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने की.
ऑफ डायगनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर मुझे y12 कैलकुलेट करना है तो बस बार नंबर 1 और 2 के बीच में जो कनेक्टेड एलिमेंट है, आई रिपीट, टू कैलकुलेट y12 कंसीडर द एलिमेंट विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 1 एंड 2 एंड टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 1 एंड 2। y12 का मतलब ये है बस बार नंबर 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसके एडमिटेंस की नेगेटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये y12 जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी, अगर इसका नेगेटिव ले लें तो ये होगा j.1। देखिए, जो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सेम है। अगर मुझे y13 निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे y13? बस नंबर 1 और 3 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसके एडमिटेंस की नेगेटिव वैल्यू। देखिए, बस नंबर 1 और 3 के बीच में ये एलिमेंट कनेक्टेड है, इस एलिमेंट का जो एडमिटेंस है वो है -j.4, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये वैल्यू हमें पता चल गई, j.4। अगर मुझे y14 कैलकुलेट करना है, y14 का मतलब ये है टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 1 एंड 4। 1 और 4 के बीच में जो एडमिटेंस है उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो ये आ गया। अगर मुझे y23 फाइंड आउट करना है तो 2 और 3 के बीच में जो एडमिटेंस है इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, ये आ गया। अगर मुझे y24 कैलकुलेट करना है तो टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 2 एंड 4, तो इसका नेगेटिव ले लीजिए, ये आ गया j.5। अगर मुझे y34 कैलकुलेट करना है तो 3 और 4 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है इसके एडमिटेंस की नेगेटिव वैल्यू लेना है, तो ये आ गया j.5। सभी वैल्यूज को हमने लिख लिया। देखिए, जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? y12 विल बी इक्वल टू y21। y12, ये जो y12 है ये y21 के बराबर होगा। y13 y31 के बराबर होगा, दिस इज 3 1 y31, y13 y31 के बराबर होगा। y14 y41 के बराबर होगा। y23 y32 के बराबर होगा। y24 y42 के बराबर होगा। y34 y43 के बराबर होगा। तो अगर हमने y12 कैलकुलेट कर लिया है तो y21 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप उसके बराबर रख दीजिए। y12 को y21 के बराबर रख दीजिए, y21 को y12 के बराबर रख दीजिए। अगर y31 कैलकुलेट करना है तो y31 को y13 के इक्वल रख दीजिए। y14 विल बी इक्वल टू y41, सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ y41, दैट विल बी j.2। इन दिस वे वी कैन राइट ऑल द वैल्यूज। सी y32, दिस इज y32, y32 विल बी इक्वल टू y23, राइट j.25। y42 विल बी इक्वल टू y24, y43 विल बी इक्वल टू y34। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पावर सिस्टम नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दी होंगी, सबसे पहले तो ये समझना है कि बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट है वो ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन का जब भी हम एडमिटेंस लिखेंगे तो -j के साथ लिखेंगे। किसी भी
एडमिटेंस को लिखना हो तो माइनस जे के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक दो बसों के बीच में, दो बसेस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है। तो ट्रांसमिशन लाइन के एडमिटेंस को लिखने के लिए एडमिटेंस की वैल्यूज को माइनस जे के साथ लिखना है। दूसरी जो बात यह है कि ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनके, इनको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सेम है, y11, y22, y33, y44, इन सबको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सेम है। y11 का मतलब टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 1, y22 मतलब टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 2, आसानी से हम y33, y44 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी बात जो ये है कि जो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे y12 कैलकुलेट करना है तो बस बार नंबर 1 और 2 के बीच में जो भी एडमिटेंस है उसकी निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे y13 कैलकुलेट करना है तो बस नंबर 1 और 3 के बीच में y13 कैलकुलेट करने के लिए बस नंबर 1 और 3 के बीच में जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसकी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी।